वहीं उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है और निरंतर इन सभी घोटालों पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। साथ ही अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं भाजपा सरकार के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर कटाक्ष किए। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जांच कर रही है, अब हम विधानसभा स्तर की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट स्तर नेताओं तक पहुंचना है तो छोटी जांच से अब काम नहीं चलेगा। जो इंटर अंडर में काम करते हैं वो कहां जांच कर पाएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को कहां पकड़ पाएंगे। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि हाईकोर्ट की जज की निगरानी में ये मांग होनी चाहिए। और जिन्होंने भी 2000 के बाद जितनी नियुक्तियां हुई है, जितनी विधानसभा की भर्तियां हुई है, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और उन्होंने स्वीकार किया है, जो कांग्रेस उठा रही थी मामला की भर्ती घोटाला हुआ है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और अब जो है नैतिकता के आधार पर वित्त मंत्री जी और तात्कालिक विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जिसने भी, गणेश गोदियाल ने भी गलती की है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी सीख मिलनी चाहिए कि ऐसी गलतियां नहीं चलेंगी। तो ये प्रश्न कि किसकी सरकार, क्या सरकार, ये जो आप कह रहे हैं ना, यही तो बीजेपी चाहती है कि हम उनकी अगर बात उठाएं तो वो कांग्रेस का नाम ले कि भाई पहले से हुआ। क्या हुआ पहले से? जो पहले से हुआ वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, आपकी बात भी सुप्रीम कोर्ट चली जाए।